गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. दिस वन इज फॉर क्लास फिफ्थ. सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज. चैप्टर नंबर 1 इज स्टिल गोइंग ऑन एंड वी हैड डन 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इन 2 पार्ट्स व्हाट वी हैड लर्नड, वी हैड लर्नड टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, विच फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली वेयर पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली होती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं. इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर मेनी मेम्बर्स इन दिस फैमिली, पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन. ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. एक जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं. पेरेंट्स के साथ उनके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल आंट होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, कजन्स होते हैं. सो वी हैड लर्न टाइप्स ऑफ फैमिली. देन वी हैड लर्न नाउ अ डेज न्यूक्लियर फैमिलीज आर फॉर्म्ड. न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर देन जॉइंट फैमिलीज. आज के टाइम पे हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि आज के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली है. और न्यूक्लियर फैमिली बनने के रीजंस भी हम लोगों ने पढ़े. माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है, कि लोग गांव से शहरों तक आ रहे हैं. क्यों क्यों आ रहे हैं गांव से शहरों तक? अच्छी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और अच्छी आजीविका के लिए लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं. स्केयरसिटी ऑफ स्पेस मतलब कि लोगों के पास जगह कम है. एक घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इसीलिए जगह की कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, अपना घर नया शिफ्ट, मतलब अपने आप को दूसरे घर में शिफ्ट कर लेते हैं. माइग्रेट मतलब न्यूक्लियर फैमिली बना देते हैं. जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे स्पेस कम है, जगह की कमी की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, लोग वहाँ से शिफ्ट होने लग जाते हैं और फिर न्यूक्लियर फैमिली से, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म होने लग जाती है. उसके बाद अदर रीजंस हमने पढ़े थे कि एक जॉइंट फैमिली में लोगों की आदतें अलग अलग होती हैं, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं. पैसा कमाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उस तरीके से खर्च करने का तरीका भी क्या होता है, लोगों का अलग अलग होता है. एक ही फैमिली में सबके फैमिली मेम्बर्स की क्या होती है, अलग अलग हैबिट्स होती है, बिहेवियर होता है, अर्निंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी सेलिब्रेट करने का तरीका लोगों को अलग अलग है, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से अलग है. दिवाली का और होली का हमने एग्जांपल देखा था इसमें, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होना कैसे होते हैं. सबसे पहला है माइग्रेशन. माइग्रेशन का टॉपिक हम लास्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं. माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास. प्रवास मतलब मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना माइग्रेशन कहलाता है. वन डे ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, एक दिन हम लोग सब, मतलब इसमें स्टोरी किसकी चल रही थी, भावना की स्टोरी चल रही थी ना, तो भावना कहती है एक दिन हम लोग सब अपने, मतलब हम लोग मतलब कौन, वो और उसके कजन्स, उसका ब्रदर, कजन्स सब क्या होते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं. वी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट आर फैमिली, वो लोग चाहते थे, वो कहती है कि हम लोग चाहते थे हम हमारी फैमिली के बारे में और जानें. माई ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर टोल्ड अस दैट वी ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान. वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब उनका जन्म हुआ था ना, तो वो वहाँ कहाँ लाए गए थे, उनको कहाँ लाया गया था, उनको लाहौर में लाया गया था. लाहौर किसकी सिटी है, पाकिस्तान की एक सिटी है, ठीक है, तो पाकिस्तान की सिटी लाहौर में उन्हें लाया गया था. ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कहाँ पे कम्प्लीट की है, लाहौर में कम्प्लीट की है. इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशंस टुक प्लेस. इन 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, और पार्टीशन टुक प्लेस, और पार्टीशन वाली बंटवारा हुआ था उस टाइम पे, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के पार्टीशन हुआ था तो दो कंट्रीज डिवाइडेड हो गई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान. द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट,
लीव देयर होम एंड मूव परमानेंटली टू अ न्यू प्लेस, मतलब माइग्रेट हुए थे एक जगह से दूसरी जगह तक गए थे, किस वजह से, पूरी की पूरी फैमिली परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए अपने एक नए स्थान पर चली गई थी, फ्रॉम लाहौर टू राजकोट। लाहौर से वो लोग कहाँ आ गए थे, राजकोट में आ गए थे। दे हैड टू लीव बिहाइंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टीज इन लाहौर, उन्होंने वहाँ पे उनको करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा अपने पीछे जितने भी उनकी बिलोंगिंग्स मतलब उनकी जितनी भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज थी लाहौर में, वो सब उन्हें छोड़ के राजकोट आना पड़ा पार्टीशन के टाइम पे, बंटवारे के टाइम पे। ठीक है, तो ये था माइग्रेशन उनकी फैमिली का। फिर है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन होता है परमानेंटली एक जगह पे शिफ्ट हो जाना। माइग्रेशन तो मतलब होता है मूव करना, लेकिन इमाइग्रेशन का मतलब होता है अप्रवासन, परमानेंटली किसी पे किसी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाना। माई यंगेस्ट अंकल इज अ डॉक्टर। अब भावना कहती है कि मेरे जो सबसे छोटे वाले अंकल है ना, सबसे छोटे चाचा जो हैं वो डॉक्टर है। ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ पे कम्प्लीट की, USA में कम्प्लीट की। माई आंट इज ऑल्सो अ डॉक्टर। मेरी आंट यानी मेरी चाची भी कौन है, एक डॉक्टर है। दे हैव वन चाइल्ड निशांत। उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम क्या है, निशांत। दे लिव इन USA एंड ऑफन कम टू इंडिया टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एंटायर फैमिली। और वो लोग कहाँ रहते हैं, देखो अब वो परमानेंटली वहीं शिफ्ट हो गए ना, USA में शिफ्ट हो गए, तो वो उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। और माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से जाना, लेकिन हम अपनी होम टाउन से जुड़े रहते हैं। अब ये लोग बिल्कुल वहाँ शिफ्ट हो गए, अब USA के सिटीजन बन चुके हैं ये लोग। ठीक है, उसके अंकल और आंट, तो वो लोग ऑफन नहीं मतलब वो आते ही रहते हैं इंडिया में अपने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, यानी कि अपने पेरेंट्स से उसके अंकल मिलने आते रहते हैं और पूरी फैमिली से मिलने वो आते रहते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब भी क्या होता है, ट्रांसफर करना, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रांसफर हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उनका ट्रांसफर होता रहता है। माई फादर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। मेरे फादर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। ही गेट्स ट्रांसफर्ड एवरी 3 ईयर्स, और उनका ट्रांसफर होता ही रहता है, उनको ट्रांसफर मिलता ही रहता है, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है हर 3 साल में। सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वी हैव ट्रेवल्ड टू मैनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन इन डिफरेंट स्कूल। हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर चुके हैं, घूम चुके हैं, और मैंने जो अपनी पढ़ाई ली है वो बहुत अलग अलग स्कूल्स में ली है। बिकॉज हिज फादर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनको ट्रांसफर उनका ट्रांसफर होता ही रहता है। तो वो कहती है कि हम लोग बहुत सारे जगहों पर घूम चुके हैं और मैंने अलग अलग स्कूल्स में क्या करी है, एजुकेशन प्राप्त की है। ओके, नाउ मूव द पेज, टर्न द पेज, मूव ऑन पेज नंबर 8। ओके, हियर इज अ बॉक्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस डैम्स एंड हाईवेज लैंड इज ब्रोक टेकन अवे फ्रॉम पीपल। कभी कभी क्या होता है, जब ब्रिज का यानी कि ब्रिजेस का और डैम्स का और हाईवेज का जब निर्माण होता है ना, उनका कंस्ट्रक्शन जब चालू होता है, तो बहुत सारे लोगों से क्या कर लिया जाता है, उनकी लैंड ले ली जाती है, उनकी जमीन हड़प ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। they are then given land somewhere else। तो वो गवर्नमेंट वहां की तो लैंड ले लेती है, लेकिन उनको कहीं और पे क्या दे देती है, भूमि दे देती है, उनको घर दे देती है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक गवर्नमेंट के द्वारा आपको भेजा जाना, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। समटाइम्स द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड। और कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरा घर डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे घर को तोड़ देती है या बिल्डिंग्स को तोड़ देती है जो कि अनऑथराइज्ड लैंड पे बनी होती है, मतलब कि ऐसी जमीन पे बनी होती है जो कि उनके अंडर नहीं है, वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है, तो अगर लोग उस पर घर बनाते हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड डेमोलिशन। ओके, इसे क्या कहा जाता है, डेमोलिशन कहा जाता है। डेमोलिशन का मतलब होता है
कि नाश कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना बुरी तरीके से, तो वो होता है डेमोलिशन। जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बिना अथॉरिटाइज, हम अथॉरिटी के किसी भी लैंड पे क्या करते हैं, अनअथॉरिटाइज लैंड पे क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं या किसी तरीके की बिल्डिंग बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, बिल्कुल डेमोलिशन हो जाता है उसका, मतलब उसको नष्ट कर देती है। पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस हैव टू मूव टू अ न्यू प्लेस, और इस तरीके की जमीन पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ फॉस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। फॉस्टर पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स होते हैं? जो पेरेंट्स एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो पेरेंट्स फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, मतलब लीगली उसको अडॉप्ट कर देते हैं एक बच्चे को। और अडॉप्टेड चाइल्ड तो जिसके पेरेंट्स, मतलब ऑर्फन्स में ऐसे, अनाथालय में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो उन लोगों को वहाँ रख दिया जाता है, और वहाँ से जो पेरेंट्स जिनको रिक्वायर होती है, जिनको नीड होती है बच्चे की, तो वो क्या करते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो फॉस्टर पेरेंट्स, उस चाइल्ड के फॉस्टर पेरेंट्स बन जाते हैं। निकिताज अंकल लिव्स इन मुंबई। निकिता के अंकल कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। उसके पहले उसकी चाचा चाची के पास कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव चिल्ड्रन, बच्चे से बहुत प्यार, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। निकिताज फादर एडवाइस देम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। निकिता के फादर ने उनको एडवाइस दी, सलाह दी कि एक बच्चे को क्या करें, वो अडॉप्ट कर लें। सो दे वेंट टू एन ऑफेंस, इसलिए वो एक अनाथालय में गए। दे अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, एक लड़की को अडॉप्ट किया, बच्ची को अडॉप्ट किया। दे नेम्ड हर मोनिका, और उसका नाम क्या रखा, मोनिका रखा। दे हैव बिकम हर फॉस्टर पेरेंट्स, और अब वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स बन चुके थे। टुडे शी इज 9 ईयर्स ओल्ड, शी इज स्टडिंग इन क्लास 4th इन अ रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल। अब वो 9 ईयर्स की हो चुकी है, कौन, मोनिका, जिसको कि अडॉप्ट किया गया था निकिता के अंकल और आंट के द्वारा, तो वो अब 9 ईयर्स की हो चुकी है और वो 4th क्लास में पढ़ती है, एक बहुत ही अच्छी स्कूल में पढ़ती है। शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली, और वो अपने फैमिली में एक खुशी, मतलब अपनी फैमिली की खुशी का और हैप्पीनेस का कारण है। निकिता एंड मोनिका आर कज़न सिस्टर्स, निकिता और मोनिका क्या है, अब कज़न सिस्टर है। दे प्ले टुगेदर व्हेन दे मीट, वो लोग जब भी मिलते हैं बहुत साथ में बहुत खेलते हैं। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जब भी एक लीगल प्रोटेक्शन के साथ, मतलब कि कानूनी कार्यवाही के साथ, किसी भी रिश्तेदार से बच्चा लिया जाता है या फिर किसी भी दूसरे बच्चे को क्या किया जाता है, लीगली अडॉप्ट किया जाता है, तो उसे अडॉप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था फॉस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है द न्यू मेंबर इन द फैमिली। अब हमने न्यू मेंबर इन द फैमिली, वो हम कब पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट विल बी 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जितना पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।